तो हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो गाइस आज का कंपैरिजन वीडियो है मारुति सुजुकी ब्रेजा और किया सोनेट के बीच में। दोनों ही कंपटीटर है अपने आप में, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही तगड़े इन दोनों एक दूसरे कंपटीटर है। स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेजा का जो टॉप एंड वेरिएंट है वो है गाइस ZXI प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और सोनेट का जो है वो है एक्स लाइन टर्बो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं डायमेंशन से। सबसे पहले तो लेंथ की बात करो तो ब्रेजा में मिलता है 3995 मिलीमीटर्स का, और सोनेट में भी मिलता है 3995 मिलीमीटर्स का। विड्थ की बात करूँ तो ब्रेजा में मिलता है 1790 मिलीमीटर्स का, और अगेन सोनेट में मिलता है 1790 मिलीमीटर्स का। हाइट की बात करूँ तो ब्रेजा में मिलता है 1685 मिलीमीटर्स का, और वहीं पे सोनेट में मिलता है 1642 मिलीमीटर्स का, यानी कि लास्ट में जाके जो ब्रेजा है उसका हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूँ कि हेडरूम तो अच्छा हो जाता है हाइट ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन उससे एक और माइनस पॉइंट ये है कि बॉडी रोल भी ज़्यादा हो जाता है गाड़ी का। अगर गाड़ी का जितना हाइट ज़्यादा होगा उतना ही उसका बॉडी रोल में इफेक्ट पड़ने लगेगा, बॉडी रोल ज़्यादा होने लगेगा। तो स्पेस वाइज अगर देखा जाए तो दोनों ही सेम है। हेडरूम जो है वो आपको ब्रेजा में थोड़ा सा हल्का सबको ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू सोनेट। अब बात करते हैं गाइस बूट स्पेस। तो बूट स्पेस जो है ब्रेजा में मिलता है 328 लीटर्स का, और सोनेट में मिलता है 392 लीटर्स का। यहाँ पे बूट स्पेस के मामले में सोनेट थोड़ा सा आगे जाती है। सीधा आगे बढ़ते हैं इंजन की तरफ। तो गाइस इंजन जो मिलता है ब्रेजा में वो मिलता है एक 1.5 लीटर का 1462 सीसी का चार सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन, और जो सोनेट में मिलता है वो है 1 लीटर का 998 सीसी का तीन सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन। पावर आउटपुट की बात करूँ तो ब्रेजा से मिलता है 102 bhp और 137 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, और वहीं पे सोनेट से मिलता है 118 bhp और 172 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। पावर के मामले में यहाँ पे सोनेट थोड़ा सा आगे है, लेकिन क्योंकि जो सोनेट में तीन सिलेंडर लगे हुए हैं और इंजन का साइज भी थोड़ा छोटा है, तो उसमें थोड़ा सा आपको फ्यूल इकोनॉमी में कमी देखने को मिलेगा, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। गियरबॉक्स की बात करूँ तो ब्रेजा में मिलता है 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और सोनेट में मिलता है 7 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। फ्यूल इकोनॉमी की बात करूँ तो ब्रेजा का क्लेम्ड माइलेज है 20 किलोमीटर पर लीटर तक का, और सोनेट का है 18 किलोमीटर पर लीटर तक का। मैंने जैसे आपको बताया कि साइज छोटा है इंजन का, तो इसलिए फ्यूल इकोनॉमी में थोड़ा सा आपको कमी देखने को मिलेगा। सेफ्टी रेटिंग की बात करूँ तो ब्रेजा का अभी तक नहीं आया है, लेकिन जिस विटारा ब्रेजा का हुआ था पुराने टाइम में, तो विटारा ब्रेजा ने स्कोर किया था 4-स्टार रेटिंग एडल्ट के केस में और 2-स्टार रेटिंग चाइल्ड के केस में। सोनेट की बात करो तो सोनेट में स्कोर किया था 3-स्टार रेटिंग एनकैप की तरफ से। प्राइसेस की बात करो लास्ट में, तो गाइस प्राइस जो है ब्रेजा ZXI प्लस का है 14 लाख रुपीज एक्स शोरूम, वहीं पे सोनेट एक्स लाइन टर्बो है उसका प्राइस है 13.6 लाख रुपीज एक्स शोरूम। तो गाइस यही था मारुति सुजुकी ब्रेजा और किया सोनेट के बीच में डिफरेंस टॉप एंड वेरिएंट्स का। आपको इन दिनों में से कौन सा पसंद है कमेंट में जरूर बताएगा, और कौन सा आपको थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी लगा वो मेरे कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद लाइक जरूर कीजिए, नहीं पसंद डिसलाइक कीजिए। इसके साथ मैं तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ ड्राइव करें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।